और बड़ी खबर है दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण पर एक्शन में आतिश की सरकार। सीएम आतिश ने एंटी डस्ट अभियान का निरीक्षण किया। आनंद विहार में बसों के कारण प्रदूषण, या आतिशी की तरफ से कहा गया है कंस्ट्रक्शन के कारण भी प्रदूषण इस वक्त देखने के लिए मिल रहा है। सीएम कहती हुई केंद्र और यूपी सरकार हमारा साथ दे, ये भी उन्होंने कहा है। दरअसल आज सुबह ही वो यहां पर पहुंची और इस दौरान उन्होंने इन बातों का जिक्र किया। दिल्ली में आज के दिन में चाहे पीडब्ल्यूडी हो चाहे एमसीडी हो, अपने सारे रिसोर्सेज लगाकर दिल्ली में प्रदूषण रोकने का काम चल रहा है। कौशाम्बी का बस स्टेशन है जहां पे ज्यादातर डीजल की बसेस चल रही हैं। तो अभी हम उत्तर प्रदेश की सरकार को भी रीच आउट करेंगे कि वहां पर भी अगर पोल्यूशन कंट्रोल मेजर स्ट्रॉन्गली लगाए जाए तो उसका दिल्ली पे भी असर पड़ेगा। तो सीएम को अभी आप सुन रहे थे और इसी बीच गौरव हमारे साथ जुड़ गए हैं। गौरव, अभी तो दिवाली आई भी नहीं है, वक्त बाकी है, लेकिन उसके बावजूद दिल्ली के कई इलाके जहां पर 400 को क्रॉस कर चुका है AQI। देखिए बिल्कुल, राजधानी दिल्ली की अगर बात करें तो दिल्ली में एक तरफ यमुना में जल प्रदूषण तो दूसरी तरफ दिल्ली में वायु प्रदूषण भी काफ़ी तेजी के साथ जो है वो बढ़ रहा है। और आज सुबह तकरीबन 8 बजे से ही हम दिल्ली के आनंद विहार बस टर्मिनल पे मौजूद थे। और आज दिल्ली में जो बात करें दिल्ली की मुख्यमंत्री हैं आतिशी, इसके अलावा पर्यावरण जो मंत्री हैं गोपाल राय, वो भी उस बस टर्मिनल पर पहुँचे। क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर चिंताजनक तस्वीरें दिल्ली की हैं या फिर हालात अगर हम देखें तो एक पूरी तरीके से आनंद विहार का है। वहाँ पर AQI लेवल तकरीबन 450 से ऊपर है। और ये तकरीबन अगर हम बात करें AQI लेवल की तो आनंद विहार के अंदर आज जब आतिशी ने निरीक्षण किया, बातचीत की, उनका साफ कहना है कि जो बाहर के राज्यों से, उत्तर प्रदेश से जो बसें आती हैं, उत्तराखंड से जो बसें आती हैं, तमाम जो ऐसे राज्य हैं जिन राज्यों से दिल्ली के अंदर बसें आती हैं, डीजल बसें जो होती हैं, उससे कहीं ना कहीं वायु प्रदूषण बड़े पैमाने पर फैल रहा है। और आने वाले दिनों में हम सरकारों के साथ भी बातचीत करेंगे कि इसको कैसे कंट्रोल किया जा सके। हालांकि मौके पर कुछ अधिकारी भी वहां पर मौजूद थे। एंटी फॉगिंग सिस्टम जो है दिल्ली के अंदर चलाया जा रहा है खास करके, उस पर भी बातचीत की गई और ये कोशिश की गई कि यहाँ पर जिस तरीके के निर्माण कार्य आसपास में चल रहे हैं, क्योंकि रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट भी जो है रेलवे का हो या फिर बस टर्मिनल का हो, वहाँ पर इस तरीके के प्रोजेक्ट भी चल रहे हैं, तो उस निर्माण कार्य को भी फिलहाल रोका जाए। आप देखिए ग्रैप 1 की जो पाबंदियाँ हैं वो लागू हैं। और आपको ध्यान होगा कि पिछले साल 2023 में भी इसी महीने के आसपास में ग्रैप 2 को भी लागू किया गया था। और ग्रैप 2 अगर दिल्ली के अंदर आने वाले दिनों में लागू होता है तो आप ये समझिए कि डीजल जो वाहनें हैं जो बाहर के राज्यों से दिल्ली में आती हैं उनका प्रवेश जो है पूरी तरीके से दिल्ली में निषेध हो जाएगा। और आने वाले दिनों में जो हालात राजधानी दिल्ली के बन रहे हैं वो आप समझिए कि किस तरीके से प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा है। और इस वक्त 10 बजने का वक्त है, लेकिन अभी भी आपको मैं अगर विजिबिलिटी की बात करूं दिल्ली की, तो तस्वीरें आप देखिए कि जो आसमान है खास करके और जहां तक कैमरे की निगाहें जाएंगी, जो अभी टेंशन क्रिएट कर रहे हैं क्योंकि अभी दिवाली में भी वक्त है गौरव, और उससे पहले इस तरह की तस्वीर दिल्ली से नजर आना एक चिंता की बात जरूर है। और ये तब है जब सरकार कहती है कि वो पूरी तैयारी के साथ इस वक्त कोशिश कर रही है प्रदूषण पर काबू पाने की। फिलहाल के लिए गौरव आपका शुक्रिया तस्वीर और जानकारी साझा करने के लिए।